तो TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है, प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स को 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान देना ही होगा। 7 महीने पहले भी आदेश जारी किया था, लेकिन अब 60 दिनों के अंदर आदेश का पालन ना करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। TRAI ने सोमवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। 60 दिनों के अंदर इसका पालन करना होगा। टेलीकॉम कंपनियों की मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिस वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 महीनों का रिचार्ज यानी 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। और TRAI के इस फैसले के बाद ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, और इस वजह से TRAI ने कंपनियों को निर्देश दिया है। अब तक किसी कंपनी ने इसका पालन नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर TRAI ने कह दिया है कि आपको 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करना होगा। नोटिफिकेशन कंपनियों को जारी कर दिया गया है।